नमस्ते नमस्ते कर दो। नमस्ते कैसे करते हो? कर देना। जय जय कर दो। जय नमस्ते नमस्ते कर दो। नमस्ते ये नमस्ते। हाँ फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस। मुआ मुआ। आई लव यू बोल देना। आई लव यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं, मेरी गोदी में आके बैठ गए। कह रहे हैं कि रानी मम्मी आप मुझे भी लेके आओ ब्लॉगिंग में। मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तो आज मैं जा रही हूँ केक बनाने और देखिए आप लोग मैं कैसा बनाती हूँ केक। नाटक है? नाटक नहीं है, असली है। सच है? हाँ सच है। केक का सामान नहीं आएगा? केक का सामान आया है, अभी केक बनाएंगे। कहाँ? यहीं पे किचन। हाँ किचन में। आप खाते हो चॉकलेट केक? चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है। फेवरेट है? हाँ तो चॉकलेट केक ही बनाने जा रहे हैं। तो ओके गाइस, और कुछ बता दो अपने बारे में। आपका नाम क्या? शेर। मेरा नाम है हर्षित। ओके गाइस, तो ये हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे हर्षित उफ हर्ष, जिनको हम लोग प्यार से हर्ष बोलते हैं। कचरा? अरे नहीं, कचरा क्यों बोलूँगी मैं आपको? इतने प्यारे क्यूट हो आप, कचरा क्यों बोलेंगे? आइसक्रीम केक नहीं बनता आपके पास? आइसक्रीम केक? हाँ आइसक्रीम केक तो नहीं बनता। देखो अरे सुनो। ओके गाइस, तो आइसक्रीम वाला आ गया तो भाग गए। चलिए गाइस ठीक है, फिर हम लोग, बाबू सो गया है, बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, बुखार भी हो गया बाबू को। चलिए ठीक है गाइस, तो फिर अब मैं जा रही हूँ केक बनाने और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद केक बना के। ओके कप चोको पाउडर, एक चम्मच कॉफ़ी ले लिया मैंने इसमें, मैदा जो मैंने छान के रखा था एक कप के लगभग होगा, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद से मैंने लिया शुगर जो मैंने पीस के रखी हुई थी पहले ही। आप इतना शुगर लीजिए जितने की आपका अच्छा टेस्ट हो, टेस्ट अनुसार लीजिएगा। ओके तो इसमें मैंने डाला बेकिंग सोडा, फिर एक चम्मच मैंने डाला खाने वाला सोडा। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद, पूरा अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, फिर मैंने डाला इसमें रिफाइंड ऑयल जो मैंने आधा कप रखा था, आधा कप मैंने, आधा चम्मच चीनी डाला, अरे सॉरी नमक। फिर मैंने इसमें डाला दूध, दूध आप इतना ही डालिए जितना कि आपका मिक्सर जिसमें अच्छे से रेडी हो जाए, ज़्यादा मत डाल दीजिएगा जी, ज़्यादा पतला ना हो और ना ही थोड़ा ठीक हो। ओके तो ये वनीला एसेंस जो कि मैंने एक चम्मच लिया था, एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिएगा, वनीला एसेंस के से बहुत अच्छी खुशबू आती है केक की। और ये है विनेगर जो मैंने एक ढक्कन डाला, फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हैंड मिक्सर से, एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पूरी तरह से मिक्स करने करके देखिएगा गाइस, इसमें बिल्कुल भी बबल वगैरह नहीं आ रहे हैं अभी। हाँ ओके, तो मैंने ये लिया मोल्ड और इसमें मैंने थोड़ा सा पहले रिफाइंड ऑयल लगाया था, उसके बाद से ऊपर से थोड़ा सा मैंने मैदा डाला, पूरे कवर कर दिया। अब हमने इसमें बैटर जो तैयार किया था वो डालेंगे, अच्छे से पूरा डालिए। ओके अब बर्तन को कम से कम दो बार तीन बार
अच्छे से टैप कीजिए। अब हमने ओवन को लगा दिया है प्री हीट पे। ओके अब ये हो रहा है प्री हीट। ओके गाइस तो प्री हीट हो चुका है ओवन। अब हम इसमें डालेंगे केक बेक होने के लिए। तो मैंने इसमें केक डाल दिया है अच्छे से। ओके तो ये 30 मिनट पे मैंने लगा रखा है। ठीक है मैंने कर दिया स्टार्ट और अब ये हो चुका है बन के रेडी 30 मिनट बाद। तो ये देखिए गाइस कुछ ऐसा बना है केक। बहुत जल्दी हमने केक को ज़्यादा देर तक रखा नहीं था फ्रिज में। सॉरी मैंने इसका जो भी ऊपर से लगाया है इसको वो सब मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया बिकॉज़ बाबू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी उस टाइम। सीधा मैंने सब कुछ तैयार करने के बाद ही आप लोग को दिखाया है। चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कट गई थी। ओके तो लास्ट में ये मेरी नंद हैं जिन्होंने काटा केक क्योंकि आज डॉटर्स डे था तो आज इसीलिए हमने। और यहाँ पे ये देखिए मस्ती कर रहे हैं दोनों बाप बेटे। ये मेरे नंदोई जी हैं और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। ये दोनों समझ रहे। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने बनाया केक आप लोगों ने देखा तो आप लोग बताइएगा जरूर कैसा बना। घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया केक। बहुत ही अच्छा लगा था सच में बहुत अच्छा बना था। सब लोग बोल रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा कि घर पर बनाया है। सॉरी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहुत पसंद आया मुझे केक। हमने जैसे ही केक रखा 10 मिनट के बाद लाइट चली गई। बार बार लाइट मतलब जा ही रही थी। फिर हमने कढ़ाई में भी रखा फिर ओवन में रखा। इतने मेरे सिस्टर इन लॉ एंड उनके बच्चे सारे के सारे घर जा चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे। बाबू की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी हम उसे 9 बजे डॉक्टर के पास ले गए फिर उधर से 9 बजे लेके गए तो कम से कम घर आते आते 9:30 हो गया। और अभी हम लोग खाना वाना खा के जस्ट बैठे हैं। तो मैंने आज बनाया था पनीर चावल। बाबू को देखिए आई मैं आप लोग को बाबू से मिलाती हूँ। आ जाओ देखना। ओ हाय हाय बोलो। हेलो 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 बाप। फ्लाइंग किस दे देना फ्लाइंग किस दे देना फ्लाइंग किस दे दो बेटा दे दो ऐसे वाला और दे दो और दे दो। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो फ्लाइंग किस दे दो। ओके गाइस तो देखा आप लोगों ने इसकी मस्ती। ओ अभी अभी दवा पिया है थोड़ी देर पहले दवा पिया उसके बाद से थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई इसकी। ओ कर दो किसी कर देना किसी। ओ बाय कर दो बाय हाय कर दो नमस्ते करना नमस्ते नमस्ते कर दो नमस्ते नमस्ते कर दो नमस्ते कैसे करते हो कर देना जय जय कर दो जय नमस्ते नमस्ते कर दो नमस्ते ये नमस्ते हाँ फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस आई लव यू बोल देना आई लव यू गाइस बोलो। हेलो गाइस आई लव यू कैसे हैं आप सब। मम्मा को बहुत सारा सपोर्ट करिए बोल दो बोलो बोलो ना अरे बोलो ना क्या हो गया। ओके गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। बहुत ज़्यादा वीडियो आज की लंबी हो जाएगी। ठीक है फिर गाइस बाय तब तक के लिए गुड नाइट। और बाबू भी मेरा गुड नाइट बोल देना बेटा गुड नाइट गुड 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 नाइट। ओके गाइस तो गुड नाइट। और सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का अपने परिवार का फैमिली का सबका ख्याल रखिए। ओके गाइस बाय।